ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम द्वितीय सत्र परीक्षा 2022 यत्ता सातवी विषय हिंदी जो समय है कुल वह 2 घंटे है और अंक कुछ 50 अंकों के लिए प्रश्न पत्रिका आपके लिए होगी। तो प्रश्न पत्रिका उत्तरों के साथ इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सातवी कक्षा की द्वितीय सत्र की जो कृति पत्रिका है वह हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए अंत तक देखिए। इसी प्रकार होगी यत्ता सातवी द्वितीय सत्र परीक्षा विषय हिंदी। आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, बाद में अपना खुद का नाम लिखना है, दिनांक, बैठक क्रमांक, टुकड़ी प्राप्त या पर्यवेक्षक सिग्नेचर करेंगे। इसी तरह पहला जो पेज है आपको दिखेगा, उसके बाद प्रश्न क्रमांक एक अ में कृति पूछी जाएगी कि उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जो उचित शब्द है दिए गए वह है अवसर, शिक्षामय, अपराध और अर्थपूर्ण। इन्हें हमें सही चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सबसे पहला देखिए, सारा जग करना हमने सोचा मन में ठानी, तो शिक्षामय उत्तर के साथ यहाँ पर लिखा है। अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है, हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, इन्हें अपराध के अनुसार सजा देंगे। इसी तरह लिखना है। उसके बाद कथन के सामने सही और गलत चिन्ह लगाओ। बीरबल समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है, सही। वह जानता था कि भूत भूत कुछ नहीं होते, सही। तमिल भाषा के शब्द किसी भी भाषा में घुल मिल जाते हैं, गलत। तीन अंकों के लिए। उसके बाद नीचे लिखे वाक्य किसने किसे कहे हैं। आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा। सुनील भैया को कहीं सजा मत दो, अनिल ने रात रानी से कहा। चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ, सेठ ने चित्रकार से कहा। तो इसी तरह कुल तीन अंकों के लिए किसने किसे कहा पर पूछे गए हैं। उसके नीचे हमने उत्तरों के साथ उसे पूरा किया है। उसके बाद प्रश्न दो अ में जो कृति पूछी गई है वह है दिए गए पर्याय में से सही उत्तर चुनकर लिखो। 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं, किसी भी दिन ले जा सकते हैं, किसी भी समय देख सकते हैं यदि लोगों का आना जाना रहता है तो। ये तो ब किसी भी दिन ले जा सकते हैं। दूसरा जो है पर्यायों में से चुनना है तो वह है यदि लोगों का आना जाना रहता है तो। ये अपना खाना कैसे बनाते, अपना काम कैसे करते, अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते, अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते, यह उत्तर लिखना है। उसके बाद प्रश्न उसमें ब है कृति, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं। कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहा है, के लिए बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे, उन्हें क्या कहा जाता था। तो बादशाह अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था, सभी नवरत्नों के अलग अलग गुण थे। बसंत आने पर सरसों और आम में क्या परिवर्तन आता है। बसंत आने पर सरसों के फूल पीले पीले होते हैं और अरूब और आमवा पे छा जाते हैं, यानी आम और सरसों में क्या बदलाव होते हैं, परिवर्तन होता है, यह उसका एक वाक्य में उत्तर लिखना है। आयर ने हवेली के अंदर क्या देखा, आयर ने हवेली के अंदर से हंसी और ओको की ही आवाज सुनाई पड़ रही थी, यही देखा। अस्पताल में कौन कौन सी सूचनाएं प्रदर्शित की गई है, छोटा परिवार, सुखी परिवार, रक्तदान, महादान, शांति बनाए रखे, ऐसी सूचना फलक लगाए गए हैं।
यही देखा, कनिष्का कौन थी? आयरन के मामा की लड़की थी कनिष्का। ऐसे कुछ 6 प्रश्न थे, इसमें से हमें 5 के उत्तर लिखने हैं कुल 5 अंकों के लिए। उसके बाद 3 अंकों के लिए जोड़िया मिलाओ, फोटो की दुकान सामने जोड़िया लगाई है नारायणपुर में, भूत कपोल कल्पना है, हवेली कह कहो की आवाज सुनाई देती थी, 3 अंकों के लिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में कृति लिखनी है, प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में लिखने हैं, कुल 9 अंकों के लिए। 3 यानी 3 हरेक को 3 के लिए बेटी पर्व, इस विषय जानकारी लिखो। बेटी पर्व का अर्थ होता है बेटियों को घर परिवार, समाज और देश में उचित सम्मान देना है। बेटियों के अच्छी परवरिश के साथ उसके सर्वांगीण विकास की ओर भी ध्यान देना होगा। बेटियों को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समुचित अवसर प्रदान किए जाए, उनके अस्तित्व और गरिमा की हर कदम पर रक्षा की जाए। नैतिक मूल्यों की सूची बनाओ, शांति से कार्य करना, बड़ों की आज्ञा मानना व उनका अनादर आदर करना, छोटों से प्यार करना, बुरी आदतों को त्यागना, किसी भी व्यक्ति की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना। हम चलते सीना तान के इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखो। इस कविता के माध्यम से अनेकता में एकता का भाव स्पष्ट होता है। हमारा देश बहुत विशाल है, यहाँ पर अनेक जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। इनकी बोली भाषा रहन सहन सब कुछ एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन हिंदुस्तानी होने के भाव ने सभी को एक सूत्र में बंधे रखा है। कनिष्का और आयन को वीरता पुरस्कार घोषित होने का कारण बताओ। आयन और कनिष्का के कारण एक कई वर्षों से उत्पात मचाने वाले डाकू पकड़े गए और इसी बहादुरी के कारण जिला कलेक्टर ने उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय भिजवा दिए और उन्हें वीरता पुरस्कार मिला। तो इसी तरह कुल 3 सिर्फ लिखने हैं, 4 दिए गए हैं, तो 3 लिखने हैं 9 अंकों के लिए। उसके बाद व कविता की पंक्तियां पूर्ण करो 2 अंकों के लिए, 2 से 1 लिखनी है सिर्फ। पहली है बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है, ये पूर्ण की गई है 2 अंकों के लिए। ये लिखो, नहीं तो नीचे जो 2 नंबर की है वह लिखो, कोई भी 2 में से 1 लिखना अनिवार्य है। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ग अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट मरुस्थल मैदानों से हम आए, तो इसी तरह 2 से 1 दोनों में से 1 लिखना है। उसके बाद प्रश्न 4 ओ में समानार्थी शब्द लिखो, गिरी पर्वत, दुनिया संसार, मोर मयूर, तो सिर्फ 2 लिखने हैं 3 में से 2 अंकों के लिए। उसके बाद विरुद्धार्थी शब्द लिखो, 2 अंकों के लिए सिर्फ 2 लिखने हैं, अनादर आदर, अधूरी पूरी, दुर्जन सज्जन, इसी तरह लिखना है, 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद शब्दों के शब्द युग्म शब्द बनाओ, जैसे कूड़ा कूड़ादान, फिरना फिरना घूमना या घूमना फिरना, घर घरदार, ऐसा लिखना है 2 अंकों के लिए, सिर्फ 2 लिखने। सूचना के अनुसार वाक्यों का काल परिवर्तन करो। नारायणपुर में फोटोग्राफर की एक दुकान थी, नारायणपुर में फोटोग्राफर की एक दुकान है, वर्तमान काल में काल परिवर्तन करना था 1 अंक के लिए। उसके बाद माला पाठशाला जाती है, भूतकाल में लिखिए, माला पाठशाला जाती थी, ये लिखना है 1 अंक के लिए। निखिल कश्मीर घूमने गया था, भविष्यत काल में लिखना है, निखिल कश्मीर घूमने जाएगा या जाने वाला है, तो इसी तरह 3 अंकों के लिए। उसके बाद कारकों का प्रयोग करके वाक्य लिखना है, सिर्फ 2 लिखने हैं, 3 दिए गए हैं, 2 अंकों के लिए कृति पूछी गई है। ने मछुआरों ने जाल फेंका, लड़का घर के लिए निकल पड़ा, एक आदमी नाव से जा रहा है, से के लिए ने इसका प्रयोग करके
वाक्य लिखे हैं, तीन में से दो भी, दो ही आपके सही आने चाहिए क्योंकि कुल दो अंकों के लिए होंगे। तो इसके बाद फ में वाक्यों के सामने उनका प्रकार लिखो, वाक्यों का प्रकार लिखना है। वाह क्या सुंदर दृश्य है, यह विस्मयवाचक वाक्य है। माला घर नहीं जाएगी, निषेधवाचक वाक्य है। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, इच्छा बोधक वाक्य है। तो तीन में से दो लिखने हैं दो अंकों के लिए। उसके बाद मुहरों का वाक्यों में प्रयोग करो सिर्फ एक एक वाक्य के लिए। सीना तान कर चलना, देश की रक्षा में लगे सैनिक सीना तान कर चलते हैं और दुश्मन का मुकाबला करते हैं। मात देना, अपने तो कठोर हृदयता में अपने भाई को भी माफ कर दिया है। तो दो में से एक को लिखना था एक अंकों के लिए। उसके बाद प्रश्न पांच, किसी एक विषय पर निबंध लिखो। होली या वसंत ऋतु या यदि तुम सैनिक होते तो। पांच में से यानी तीन में से एक को लिखना है कुल पांच अंकों के लिए। तो हमने यहाँ पर होली लिखा है निबंध। होली, होली भारत देश का एक प्रमुख त्यौहार है, इसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। इस दिन बच्चों बच्चे रंगों से खेलते हैं और बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं और इस दिन को बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। माना जाता है कि होली का त्यौहार भारतवर्ष में बहुत ही टाइम पहले से मनाया जा रहा है। होली के त्यौहार के बारे में हमारी स्कूल के बच्चों को भी बताया जाता है कि किस तरह से होली को मनाते हैं और किस तरह से होली कब मनाया जाता है और इसका रीजन क्या है। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप नाम के राजा ने अपने राज्य में भगवान का नाम लेने से लिए मना कर दिया था। जो भी उसके राज्य में भगवान का नाम लेता वो उसको कड़ी से कड़ी सजा देता। पहला तो उस राज्य में भगवान के नाम का काफी उच्चारण कर रहा था, जिसके चलते उसके मरवाने के लिए राजा ने अपनी बहन को आदेश दिया कि वह जल जाए, उसको अपनी गोद में बैठा कर। पर होलिका जल गई और प्रह्लाद बच गया। इसलिए पूरे भारत और इसकी कुछ देशों में होली का त्योहार अच्छे से मनाया जाता है। तो इसी तरह जो होली जो निबंध इस विषय पर निबंध लिखा है कुल पांच अंकों के लिए। इसके बाद विद्यार्थी मित्रों, हमने अंत तक आप सभी ने यह ऑनलाइन लेक्चर यानी कृति पत्रिका देखी है। आप सभी ने अंत तक देखा, आप सभी को ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल की ओर से आप सभी का धन्यवाद। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस पर इसी तरह अलग अलग विषयों के ऑनलाइन लेक्चर्स, सराव पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप सभी ने अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।